परमेश्वर इस मनन के द्वारा आपको इस मनन के द्वारा आप खुद को नए तरीके से देखने और समझने पाए मेडिटेशन इज कॉल्ड गॉड्स वर्ड योर मिर और आज के दिन के मनन को मैंने शीर्षक दिया है परमेश्वर का वचन जो हमारा आईना है एंड दर्ड इज फाउंड इन दी एपिड ऑफ जेम्स चैप्टर वन वर्स ट्वेंटी और इसके लिए जो हमारा वचन है वो याकूब की पत्री उसका दूसरा पहला अध्याय और बाइसवें वचन से लेकर mahendra और पहले मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा डू नॉट मियरली लिसन टू दर्ल्ड And so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के सामने है जो समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है Now जेम्स इज presenting टू पिक्चर्स हियर इन दिस passage. और इस वचन में याकूब दो दृश्यों को हमें दिखा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्पीक्स ऑफ द मैन हु गोस टू चर्च एंड listens टू द रीडिंग एंड एक्सपाउंडिंग ऑफ God's word. और पहली बात जो वो हमें दिखा रहा है वो ये है कि वो पहला दृश्य है एक ऐसे व्यक्ति का जो कलीसिया जाता है परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस प्रचार को सुन करके उस पर मनन करता है एंड ही लिशन टू द रीडिंग और उस परमेश्वर के वचन को जो पढ़ा जाता है वो सुनता है एंड द सर्मन और वो उस प्रचार को सुनता है एंड ही गोस बैक थिंकिंग दैट बाई लिसनिंग द वर्ल्ड ही हैज बिकम अ क्रिस्टियन और वो घर वापस चला जाता है कलीसिया से ये सोचते हुए कि सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा वो एक मसीह बन गया है बट ही इग्नोर द ट्रूथ it इज नॉट द हियरिंग बट इट इज द डूइंग और वो सच्चाई को भूल जाता है कि सिर्फ सुनना ही नहीं लेकिन ये तो वचन को सुनकर उसे करना जरूरी है वर्ड विच वुड मेक हिम अ ब्लेड मैन और ये तो परमेश्वर के वचन को करना है जो एक उसे आशीषित मनुष्य बनाएगा अटेंडेंस एंड लिसनिंग वर्ड में आइडेंटिफाई वन धार्मिक रूप से एक ईसाई दिखा सके बट दीज थिंग्स विल नॉट आइडेंटिफाई हिम विथ क्राइस्ट Himself। लेकिन ये सारी बातें उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं आक सकती दिस इज द हार्ट ऑफ क्रिस्टियन फेथ और याद रखिए कि मसीही विश्वास का हृदय यही है क्रिस्टियनिटी इज हैविंग अ रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट एंड क्राइस्ट अबाइडिंग विथ इन आस ये ईसाइत है क्या ये ये है कि एक निरंतर का रिश्ता परमेश्वर के साथ हमारा हो और वो यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है एंड एंड द सेकेंड पिक्चर और जो दूसरा दृश्य याकूब हमें दिखा रहा James है। जेम्स that सच ए मैन हु ओनली हियर्स बट डस नॉट डू वट ही हर्ड और वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो हर बात को सुनता तो है लेकिन करता नहीं जो कुछ उसने सुना है बट ही इज लाइक वन हुर वो तो उस व्यक्ति के समान है जो शीशे में देखता है, देखता है, देखता है और अपने मुंह पर लगे गलत बातों या चीजों को देखता है away, और चला जाता है like. और वो इस बात को भूल जाता है उस वो कैसा दिखता है इट इज नॉट डू

और याद रखें कि परमेश्वर का वचन ये बाइबल भी एक शीशे के समान है वेन अ पर्सन वचन को सुनता है वचन को सुन रहा वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रीचिंग चाहे वो शिक्षा के रूप में हो या प्रचार के रूप में हो इट रिवील्स टू हिम वॉट इज रॉन्ग और इस बात का प्रकाशन वचन उसे दिलाता है कि वो कहां पर गलत है इट आल्सो ऑल्सो व्हाट इज टू बी डन टू करेक्ट द रॉंग एंड मेक राइट। और बात को भी वचन दिखाता है कि जो गलत है उसे कैसे सही करना है इफ ओनली अयर और यदि मान लीजिए कोई वचन को सिर्फ सुनने वाला हैज ही एज अब वो वैसा ही रहता है जैसा वह है ऑल हिज हियरिंग हैज गॉन फॉर नथिंग और उसका सारा सुनना व्यर्थ में है जेम्स से याकूब कहता है वट इज हर्ड इन द होली प्लेस must be lived in the marketplaces. और याकूब इस बात को हमें याद दिला रहा है कि जिन बातों को हम पवित्र स्थान में सुनते हैं उन्हें हमें दिखाना है अपने जीवनों से जब हम उस बाजार या उस सड़क पर चल रहे हैं इन words, दूसरे शब्दों में practice व्हाट यू हियर इन द चर्च इन दार्केट प्लेस इन दूटसाइड आप उन बातों को अपने जीवन में करें जो आप कलिसिया में वचन के द्वारा सुनते हैं ना द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी पावरफुल और याद रखिये परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस इन इफ यू रीड हिप्रूज चैप्टर फोर वर्स और यदि आप इब्रानियों की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और बारहवें वचन को पढ़े समथिंग about अबाउट word ऑफ गॉड और वो एक बहुत ही अद्भुत बात को परमेश्वर के वचन के बारे में वहां लिखा गया एंड एक्टिव क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है शार्प uh, एनी edged sword और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है It even to soul and और प्राण और आत्मा को भी जोइंस एंड मैरो हार्ट और गांट गांट और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है That is the power of God's word. और ये है परमेश्वर के वचन का सामर्थ. It is alive and whatever a, 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 powerful living person can accomplish, this word can accomplish. क्योंकि ये वचन तो जीवित है और प्रबल है. It is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. And then uh, if you read the second Timothy. और जब आप दूसरा तिमोथी उसको पढ़ेंगे. Chapter three. और तीसरा अध्याय. Verses fifteen and sixteen. और उसका पंद्रवा और सोलवा वचन एन हाउ फ्रॉम इन्फेंसी यू हैव नोन द होली स्क्रिप्चर्स विच आर एबल टू मेक यू वाइस फॉर सलवेशन थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश रेब्यूकिंग और समझाने करेक्टिंग और सुधारने एंड ट्रेनिंग और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना आई वॉन्ट आस्क ऑल ऑफ यू हु Members of some church, you must be going every Sunday, you are hearing God's word. Are आर यू आर लविंग दर्ड ऑफ गॉड टू अकम्प्लीट सम इन यूर ओन लाइफ टू मोर्ड यूर कैरेक्टर टू ब्रिंग to, सेल्फ टू to टू गॉड to, to to keep on changing you? क्या आप इस बात को जो कलिसिया आप सब जाते हैं किसी कलिसिया के आप सदस्य हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर के वचन को यह अनुमति दे रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आपको काटे और छाटे और आपको सिद्ध बनाता चला जाए नियर्स आर द passage वे और याद रखिए कि वो जो कान हमें मिले हैं वो सुनने के लिए हैं proper hearing means grasping the truth और सत्य रूप से सुनने का मतलब है कि हम सच्चाई को पकड़ लें what we hear goes up into our mind और जो कुछ भी हम सुनते हैं वो हमारे दिमाग दिमाग की ओर जाता and है and then comes down into our heart और उसके बाद हमारे हृदय में आता है now apostle james was concerned uh, about people who attend Uh, the church services and listen to the word, but do not do not do it. और तो परेशान था कि कई सारे विश्वासी कलीसिया तो आते हैं वचन को तो सुनते हैं लेकिन वचन के अनुसार जीवन को जीते और कार्यों को करते नहीं They don't allow the word टू to टच their lives. और वो संसार को ये अनुमति नहीं देते कि वे उसे छुए Are you allowing the word of God to touch your touch your your conscience, life? ये अनुमति परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं कि वो आपके जीवन को और आपके अस्तित्व को छुए of God is alive. क्योंकि परमेश्वर का वचन तो जीवित It is meant to change us. और ये इसलिए है कि हमें बदल दे us. हमें नई सृष्टि बनाए how do we uh, हाउ डू वी अप्लाई वाट वी हियर इन टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ और कैसे हम जो सुनते हैं उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं या कैसे जो हम सुनते हैं उसे कर सकते हैं देर आर थ्री स्टेप्स तीन चरण इस बात के हैं नंबर वन पहला चरण कन्फेसिट की जो आप सुनते हैं उसका अंगीकार करेंट दैट यू नीट साल्वेशन और इस बात का अंगीकार करें कि हाँ आपको उद्धार की आवश्यकता है नीड फॉर गिवन आपको माफी की आवश्यकता है बिकॉज यू आर अ सिनर क्योंकि आप एक पापी हैं और यू आर अ असलाइडर और आपने मुंह फिराया और यू आर अ कोल्ड हार्टेड कोल्ड मैन और आप एक ठंडे हृदय के व्यक्ति हैं कोल्ड टूवर्ड्स थिंग्स ऑफ गॉड और परमेश्वर की बातों के प्रति ठंडे पड़ गए देयर इज नो फायर इन यू और आपके अंदर कोई आग नहीं बची इन रोमेंस चैप्टर Uh, 10 9 10 says, और वर्स एंड से रोमियो की पत्री उसके दसवें अध्याय और नवे वचन और दसवें वचन में लिखा है इफ यू कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड और यदि तुम इस बात का अंगीकार करते हो कि यीशु मसीह ही प्रभु है एंड God raised him from the dead. और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला दिया. You shall be saved. तब तुम बचा लिए जाओगे. It is with the heart that man believes for justification. और ये तो हृदय के द्वारा है कि म, मनुष्य विश्वास करता है. And with the mouth कंफेस और मुंह के द्वारा वो अंगीकार करता सच्चा परमेश्वर saved और तब तुम बचा लिए जाओगे So heart is there to believe और हृदय है विश्वास करने के लिए and what you believe must be बिलीव मस्ट बी mouth और जो कुछ भी आप विश्वास करते हैं उसे मुंह के द्वारा आपको अंगीकार करना है तब आपका उद्धार पूरा हो जाएगा word ऑफ गॉड परमेश्वर का वचन सेकंड थिंग इज फेथ और जो दूसरी बात है विश्वास फर्स्ट वन कन्फेस्ट पहली बात है कि हम अंगीकार करें फेथ और दूसरी बात है विश्वास Believe in the truth। और उस सच्चाई पर उस सत्य पर आप विश्वास करें Truth about God। परमेश्वर के विषय में जो सच्चाई है

प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिक ऑफ वॉड एज टू डू वेन ही आया जब परमेश्वर ने उसे यह आज्ञा दी कि अपने तीन सौ लोगों के साथ अपने दुष्बर पर चढ़ाई कर नाट गॉड टॉम टू डूपिड और जो परमेश्वर ने उसे कहा वो बिल्कुल हमारी समझ के अनुसार तो मूर्खता है

फिटनेस चेकअप uh, और उससे पहले की गिदौन लड़ाई को लड़ने के लिए जाए परमेश्वर ने उससे कहा कि कहातीस हजार लोग सैनिक तेरे पास हैं उनका एक शारीरिक परीक्षण तुझे करना पड़ेगा एंड द फर्स्ट टाइम ही चेक उसने पहला प्रशिक्षण असफल you know हो गए 22,000 soldiers failed. और 22,000 सैनिक असफल हो गए. Only 10,000 left. और फिर 10,000 ही बचे थे. And God said. और परमेश्वर ने कहा. And you do one more checkup for e, this. 10,000. एक बार फिर से एक और परीक्षा ले. So another checkup. तो एक बार और परीक्षा हुई. You know ultimately only 300 passed. और सिर्फ 300 सैनिक उसमें सफल हुए विद 300 और उन 300 के साथ ही हैड टू फेस अ बिग आर्मी ऑफ मिडियनाइट उस 300 सैनिकों के साथ उसे एक बड़ी सेना का सामना करना था जो मिदोनियों की थी यू रीड इट इन जजेस चैप्टर सेवन और इस बात को हम uh, जो uh, जजेस उसके सातवें अध्याय में पढ़ते हैं बट गिडियन सिंपली ओबेड लेकिन ने परमेश्वर की आज्ञा को माना how it was going to work। और उसे ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे कार्य करेगा But he obeyed। लेकिन उसने आज्ञा को माना Hallelujah, Hallelujah। That's लुआट मैसेज और यही वो संदेश है और यह के बारे में क्या Joshua facing Jericho, the most powerful city.

और वहां का राजा उसके सारे मंत्री तो यहोशू और और की सेना को देख करके हंस रहे थे उनका ठट्टा और मजाक उड़ा रहे होंगे जब वो नगर की दीवार के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और ये बड़ी मूर्खता दिख रही थी सिंपली फॉलो द लॉर्ड लेकिन यह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना बेईद उसने भी आज्ञाकारिता की I know how about Peter? और पतरस के बारे में क्या कहें? In the Gospel according to Saint John chapter twenty one. और यहूदी रचित सू समाचार उसका एक किस्वा अध्याय. Peter with six other apostles. और पतरस छह और चेलों के साथ. When fishing without Christ. और मछली पकड़ने के लिए वो निकल गया बिना यीशु मसीह के. After the resurrection of Christ. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद. And that night they labored, caught not even a single small fish. और उस रात उन्हें बहुत मेहनत करी पूरी रात लेकिन एक भी मछली उन्हें मिली बट सिंपली आज्ञा को माना वर्ल्ड सिंपली ओपे और इसीलिए आप भी आज्ञा इवन वेन यू डोंट अंडरस्टैंड और हो सकता है कई बार आप ना समझें लेकिन फिर भी आज्ञाकारी बने इफ यू डोंट डू वट द बाइबल वाट यू हियर फ्रॉम गॉड्स वर्ड और अगर आप वो नहीं करते जो आप परमेश्वर के वचन से सुनते हैं यू आर वी आर वेस्टिंग आवर टाइम तब हम अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज लिविंग वर्ड विच इज सपोज्ड टू चेंज यू एंड यू मस्ट एक्सपीरियंस दैट क्योंकि ये तो वो जीवित वचन है जो आपको निरंतर रूप से बदलता है और इस नए बनने को प्रक्रिया को आपको प्रतिदिन महसूस करना। So is it happening? क्या ये हो रहा है? And if it is not happening? और यदि ऐसा नहीं हो रहा? The word of God, what you are hearing, everything goes in vain and nothing happens. तो अब जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वो सब व्यर्थ है। You wasted your time. If the word you are hearing is not allowed to work in you because you heard, you know, the word of God is powerful. क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं उसे करते नहीं तो उसका सुनना भी व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि ये वचन तो सामर्थ्य है सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड और इसलिए आपको यदि परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य को देखना है एंड द लाइफ which is in God's word. और यदि जो जीवन उस वचन में है उसे देखना है You must do what it says and आप, what you hear in the church. तब आपको वही करना है जो वचन में कहा गया है और जो कलीसिया में कहा जाता है See all these people believed God who did miracles in the past. और उन सारे लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया जिन्होंने भूतकाल में बहुत सारे चमत्कार और चिन्हों को जिन इस द्वारा उन्हें विश्वास के द्वारा कार्यों को किया और उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के असीमित सामर्थ पर विश्वास किया एंड ही रिटर्न फॉर्म दिस इज as God. और परमेश्वर ने खुद को लिखित रूप से हमारे बीच में दे दिया है और यह है उसका वचन एंड आई प्रे दैट यू विल नॉट लिसन एंड गो बैक एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट यू हर्ड एंड इनस्टेड ऑफ करेक्टिंग योरसेल्फ एंड क्लीनिंग अप योर फेस यू लुक्ड इनटू अ मिरर यू अंडरस्टूड योर फेस इज अग्ली एंड डर्टी यू नीड क्लीनिंग बट वंस यू लीव द प्रमाइस ऑफ द चर्च यू फॉरगेट एवरीथिंग और मेरी प्रार्थना यही है कि आप उस व्यक्ति के समान नहीं हो जो आता तो है कलीसिया में वचन को सुनता तो है और इस बात को देखता है कि कैसे वो खुद को शुद्ध और साफ रख सकता है लेकिन कलीसिया के बाद जब वो घर जाता है तो वो सारी बातें जो उसने सुनी थी वो भूल जाता है लेट इट नॉट है ना होने यू परमेश्वर आप सबको by today's meditation और मेरी प्रार्थना यह है कि आज के मनन के द्वारा आप सब आशीष पाएं God is a good God परमेश्वर एक भला परमेश्वर He loves you वो आपसे प्रेम रखता है and therefore he is speaking to you और इसलिए वो आपसे बात कर रहा है It is his word और ये उसका वचन है and so don't ignore it तो इसके प्रति आप हल्की रीति से नाचिए God's blessing be upon you परमेश्वर का आशीष आप सब पे हो और ये एक अच्छा दिन है Enjoy and have a wonderful day. और आप इसका आनंद आनंद लें और एक अद्भुत दिन आपका हो आमे